आपका पीसी हो या लैपटॉप हो या फिर कोई सा भी इमुलेटर हो, एमएसआई हो या ब्लूस्टिक्स हो या एलडी प्लेयर हो या फिर गूगल प्ले बीटा ही क्यों ना, अब आपको किसी भी चीज में लेग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने लेग को चारों तरफ से घेर लिया है। तो चलो बता देता हूँ मैंने कैसे घेर लिया चारों तरफ से, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो डाले हैं लेग फिक्स के ऊपर, उनसे आपका किसी न किसी तरीके से तो आपका लेग फिक्स 101% हो ही जाएगा। जैसे कि आज का भी एक वीडियो है, इसमें भी लेग फिक्स वाला मैं बताने वाला हूँ। अब होता यह है कि किसी के इसमें रैम की प्रॉब्लम रहती है, किसी के इसमें प्रोसेसर की प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन रहता है। तो मैंने हर एक के ऊपर ही पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, जिसका नाम है फ्री फायर ऑल इम्युलेटर लेग फिक्स। इस प्लेलिस्ट को आप पूरी देख लोगे, आप अगर आपका लेग फिक्स नहीं होता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका लेग फिक्स 101% हो जाएगा। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, भाई वीडियो को लाइक बहुत ही कम आते, भाई लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपने अगर 2 GB के लैपटॉप में खेलते हो, अगर आपका सिर्फ फ्री फायर चल जाना चाहिए या फिर 4 GB 8 GB में खेलते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा माइक थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको एडजस्ट कर लेना भाई लोग। तो इसके लिए आपको आपका खोल लेना है ये सेटिंग वाला, ठीक है, आपका सेटिंग खोल लेना है। इसमें आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है अबाउट वाला ऑप्शन, तो आपको अबाउट वाले ऑप्शन में जाना है, फिर नीचे स्क्रॉल मारना है और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा नीचे नीचे आप जैसे स्क्रॉल मारोगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी रैम देख लो भाई, 8 GB ओनली रैम है और मेरा प्रोसेसर भी देख लो, i5 8th generation, बहुत लो एंडलेस पीसी है मेरा भी, ठीक है। अभी आपने ये देख लिया, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल मारना है, यहाँ पर एक एडवांस सिस्टम सेटिंग देखने को मिलेगी, तो आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग को एक बार क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे एडवांस वाले में, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर और एडवांस और सिस्टम प्रोटेक्शन। तो देखो सबसे ऊपर एडवांस वाले ऑप्शन में आपको परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर सेटिंग पर क्लिक करके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले पे क्लिक कर देना। देखो आपका लेट विंडो चूज पे आएगा, तो आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देना, क्योंकि मैंने भी इस पर कर रखा है ऑलरेडी। इतना करने के बाद आपको इसको अप्लाई करके ओके कर देना, डायरेक्ट ओके मत कर देना, पहले अप्लाई करना फिर उसके बाद ओके कर देना। फिर उसके बाद आपको फिर से जाना इसी ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर ऊपर आपको एक बार फिर से एडवांस देखने को मिलेगा, तो आपको एडवांस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर नीचे देखो वर्चुअल मेमोरी देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर चेंज वाले पर क्लिक कर देना। आप देखो वर्चुअल मेमोरी को बहुत ज्यादा को आता है इसको, लेकिन अब आप मेरा नया तरीका देखो, ये ऑटोमेटिकली में ऐसा कुछ टिक आएगा आपको, तो इसको टिक को अनटिक कर देना आपको, ठीक है। और आपको एक लोकल डिस्क से ड्राइव सी को सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको सेटिंग में जाकर आपको सिलेक्ट कर लेना, मतलब ओपन कर लेना आपका कैलकुलेटर। हाँ गाइस, कैलकुलेटर को ओपन कर लेना। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो कस्टम साइज में इनिशियल साइज और एक मैक्सिमम साइज। तो आपको जो इनिशियल साइज यानी कि जो MB में है उसको आपको कन्वर्ट करना, मतलब जो GB के रहते हैं उसको MB में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ लो आपके 8 GB रैम है, देखो मेरी 8 GB रैम है तो मैं यहाँ पर 8 लिख रहा हूँ, अगर आपकी 2 GB रैम है तो आपको 2 लिखना है, तो आपको 8 का मल्टीप्लाई कर देना 1024, यानी कि 1 GB में 1024 MB रहती है। तो 8 GB थी मेरी, तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो हमारा आ गया है 1000, ठीक है। तो आपको जैसे 6 GB हो आपकी रैम, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना आपको 1024 से। तो देखो मैं यहाँ पे 1024 से मेरी 8 GB वाली रैम को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर आ चुका है 8192। तो ये आपको लिखना है, इसको कहीं नहीं लिखना है। इतना करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, अगर 6 होगा आपका 6 GB रैम तो आपको कम वैल्यू मिलेगी और 12 होगा तो ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आपको इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका 8000 कुछ करके वैल्यू आया था, तो उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी वैल्यू आए आपकी उसको आपको डाल देना है इनिशियल साइज MB में, ठीक है। ये जो नीचे वाला ऊपर वाला बॉक्स रहता है ना, इसमें देखो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है 12288 आया 8 GB रैम वालों के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा मैक्सिमम साइज, आप रखो इसको आपको मल्टीप्लाई आपकी रैम से करना है, ठीक है। मेरी वैल्यू मत डाल देना, आपको आपकी जितनी रैम लेना उसके हिसाब से। आप देखो यहाँ पर फिर से हमको करना है 1024 का मल्टीप्लाई 8 GB रैम से, ठीक है। मेरा 8 GB रैम है तो मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को आ चुकी है फिर से 8192 वैल्यू। अब इसका 8192 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है। पहले 1.5 से किया था, अब हम 3 से करेंगे। तो हमने 3 से किया, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिली है 24576, जो कि मैंने ऑलरेडी ही अपने इसमें डाल रखी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ। इस चीज़ के बाद आपके बहुत ज़्यादा FPS बढ़ जाएंगे। तो आपको इसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट नीचे सेट वाले पर क्लिक करना है, सेट करके आपको इसको ओके कर देना है, या तो वो सेट वाली बटन पर आपको क्लिक करके फिर इसको अप्लाई करके ओके करना है। मैंने ऑलरेडी सेव था मेरा, इसलिए अप्लाई हो नहीं रहा है, तो आपको अप्लाई करके इसके बाद में ओके कर देना है। फिर इसके बाद आपको आ जाना आपके फ्री फायर की सेटिंग में। फ्री फायर की सेटिंग आने के बाद आपको डिस्प्ले पर आ जाना है, डिस्प्ले पर आकर आपको स्मूथ ग्राफिक्स पर हाई FPS रख लेना। अगर आप हाई FPS सेट नहीं करोगे तो आपके सिर्फ 30-40 FPS चलेंगे, अगर आप हाई FPS पर कर लोगे तो आपके 2 गुना FPS हो जाएंगे। तो मैंने जो सेटिंग बताई उसको ट्राई करना और उसके बाद आपको हाई FPS कर लेना है। इतना तो गारंटेड शेयर करूँ कि इतने के बाद आपका FPS जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत लेग देखने को मिलता है तो आप हमारी पूरी लेग फिक्स वाली प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक कर लेना। और वो जरूर नहीं है कि आपको किसी ब्लू स्टेक्स या किसी एक स्पेसिफिक एक के लिए बनी, वो बिल्कुल सारे के सारे इम्यूलेटर पर वर्क करेगी। आज के दिन बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।